लेके। बहुत ही अच्छा लगा सर आपको देख के, एंड चेंज मेकर आपने ढेर सारी बातें कही, चेंज मेकर सर, एंड हमने देखा कि आपने भी जैसा बताया कि आपके घर में भी हमने ढेरों सारे चेंज मेकर देखे। एंड सर जब आप लाइक जब आप इंडस्ट्री में आए थे, जो आपने डायलॉग्स दिए हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, जो आपने रिटर्न करके दिया, जो बहुत सारा चेंज हमने देखा, तो कैसे देखते हैं सर आप इस चेंज मेकर को? और अब देख रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में भी डे बाई डे बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो जब फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो ये लड़कियां जो लिखे जनरल रिकॉर्ड में से ज़्यादातर पैदा ही नहीं हुई होंगी। तो हमारी मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री में होती थी या तो हीरोइन या जो माँ का रोल कर रही हैं, या दो प्लेबैक सिंगर लता जी आशा जी थी, और दो तीन फीमेल जर्नलिस्ट थी। उसके अलावा किसी डिपार्टमेंट में कहीं कोई औरत नहीं। आज कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है जिसमें ज़्यादातर औरतें ना हो। मैं एक हफ्ते में जो मेरे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ये प्रोडक्शन के लोग आ रहे हैं, ये फला आ रहे हैं, ये राइटर है, ये फला, तो उनमें से ज़्यादातर तो औरतें होती हैं। आज अब कैमरामैन नाम ही चेंज होना चाहिए, कैमरा पर्सन कर दो, कुछ भी करो, कैमरामैन मतलब इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड, कैमरामैन आपने पहले से फिक्स कर लिया था तो कि साहब ये तो आदमी होगा। वो कैमरा वर्क कर रही हैं, एडिटर्स हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। मुझे याद है कि जब सही प्रांजपे ने बनाई थी स्पर्श, तो मुझे बेहद पसंद आई थी, और मैं अपने बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मैं उन्हें लेके गया सही को कि आप इनको पिक्चर दीजिए, बहुत अच्छी फिल्म बनाई इन्होंने। तो देवर हाईली एम्बेरस कि क्या कह रहा है यार, मतलब ये तो औरत है। तो कुछ ये हाल था, आज तो कुछ है नहीं है, देखिए बैठी हुई है, हाँ क्या बताएं। तो ये जो है चेंज होता चला जा रहा है, तो होता क्या है, इतनी आहिस्ता से होता है चेंज कि हम देख नहीं पाते हैं। कि आज हमको कोई हैरत नहीं है कि साहब नंदिता इतनी अच्छी डायरेक्टर हैं, या कैमरा में लड़कियां हैं, एडिटिंग में हैं, राइटिंग में हैं, सॉन्ग राइटर हो, हर चीज़ काम कर रही हैं, कोई काम ही नहीं। प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन तो वॉज अ मेल डोमेन टोटली, वो आज जो कंट्रोलर्स हैं वो ज़्यादातर लड़कियाँ होती है। तो अब ये सब चेंज आ रहा है, मगर अभी भी मेरा ऐसा ख्याल है कि सारा चेंज जो है ये एक सर्टन स्टाटा में है, बड़े शहरों में है। लेकिन होता ये है कि जो भी बड़े शहरों में होता है वो 15 साल, 20 साल, 10 साल में नीचे पहुँच जाता है छोटे शहरों में। तो ये सीप इन होगा, ये चेंज आएगा ही, ये मुमकिन नहीं है कि चेंज ना हो, और हो रहा है। जावेद सर, जब भी देश में एकता की मिसाल दी जाती है तो बॉलीवुड की जो एकता है, हिंदी सिनेमा में जो तरह तरह के लोग काम करते हैं, तरह तरह के मजहब के लोग काम करते हैं, उसकी एकता की मिसाल भी दी जाती है, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है लोगों में कि बॉलीवुड को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। पिछले साल से हम देख रहे हैं तमाम तरह की रेड्स हो रही है, तमाम तरह की बातें हो रही है, आप इसे किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक पोर्ट के ऊपर आपको $1 बिलियन की कोकीन मिलती है, और एक जगह कहीं 1200 आदमी थे वहाँ पर 1,30,000 की चरस और गांजा कुछ, एक जिसकी कंप्लीट की प्राइस ये है 1,30,000 अकॉर्डिंग टू द मीडिया, और वो एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज़ बन गई है। और मैंने तो हेडलाइन कभी देखी नहीं उस $1 बिलियन की कोकीन के बारे में। वह पाँचवें छठे पेज पे छोटा सा आ जाता है कुछ कभी एक आध बार कि अभी उन्होंने कहा जी हम यहाँ इन मुल्कों के जहाज़ी नियाने देंगे। अरे जहाज़ नियाने तो क्यों रखा, ये जो रखा है इसका तो बताओ कुछ। तो ये सब तो खैर है, क्या है कि दिस इज़ द प्राइस फिल्म इंडस्ट्री हैज़ टू पे फॉर हाई प्रोफाइल। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मज़ा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर मारे। आपको लगता है कि शाहरुख खान, आर्यन खान पर टारगेट है? आप जो है एक काम कीजिए, नहीं मैं बोल रहा हूँ, मगर इस वक्त आप कर रहे हैं वो काम जो मना कर रहे हैं। आइए और बोलिए, चलिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इनसे हमारा पुराने रिलेशन, हमें पता है, हम इनको जानते हैं। But we are also seeing in our neighboring countries there's certain change that come which is not looking good, especially with the Hindu minorities in Bangladesh.
What would you have to say to that, sir? Are you concerned with the situation in Bangladesh? Well, I am concerned with in every wherever there is injustice and there is repression of minorities anywhere, including our own country. And Bangladesh, a shame, they are creating a very bad example, because one takes for granted that Hasina Sheikh is a liberal. Yahan to kya theek hai, Modi ji hai, phir bhi samajh mein aata hai ki kyun ho raha hai. Lekin wahan to bhai Hasina Sheikh to badi decent kehlati thi, un kya aisa ho raha, bade sharm ki baat hai. Aur chahiye kuch? देखिए आपको आपको एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, जिस टॉपिक हम हैं उस पर बात कीजिए, आपको उस टॉपिक से कोई इंटरेस्ट नहीं है. हिंदू दुनिया की आधी आबादी की आप बात कर रहे हैं, एंड दे आर ट्रीटेड लाइक वन ऑफ द वर्स्ट माइनॉरिटीज इन द वर्ल्ड, और आपका एक सवाल उस पर नहीं है. मैं आपको एक बात बताऊँ, कितनी दुनिया बदली है. एक मुशीरुल हसन हुआ, very respected historian, you would know, he has written a book about the kasbas of Awadh. Usme unhone ek incident meri mother ka likha hai. My mother family was from a place called Lucknow, which is Rudauli, which is 100 miles away from Lucknow. To rehte wo log Lucknow mein the, unki zamindari ho raha. She was the first girl of that district who graduated. तो शहर में रहते थे तो हमारे कुछ रिलेटिव आए तो उन्हें ये तो मालूम था कि भाई ये लोग सिविल लाइन्स में रहते हैं, लेकिन उनका घर कहाँ है ये नहीं मालूम था. आई डिड नॉट नो दिस, आई रेड इट इन मुशीरुल हसन बुक. तो जो लोग आ रहे थे उन्होंने पूछा, भाई साहब उनका घर कहाँ है जिनकी बेटी ने बीए किया है? तो लोगों ने बता दिया. तो कैन यू इमेजिन हाउ फार वी हैव कम? ये इंटरेस्टिंग नहीं ना? है? वो कहाँ गए? चले ही गए. अच्छा, सारे रिश्तेदारी निकाल लेना चाहिए. जी 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 जी. देखिए एक बात बताओ, एक बड़ी सिंपल सी बात बताओ, ये ह्यूमन ब्रेन जो है एक बड़ी अजीब चीज है. ये इंसान के पैदा होने से पहले काम करना शुरू कर देता है, और आप जब रात को सोते भी हैं तब भी ह्यूमन ब्रेन बंद नहीं होता है, वो चल रहा है, वो ड्रीम कर रहा है, कुछ कर रहा है. और कभी कभी होता है कि मेडिकली आदमी डेड हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है, और वो रिवाइव कर लेते हैं. जो लाइफ आफ्टर डेथ ये बुक्स वगैरह लिखी गई हैं उसी पे कि ब्रेन फिर भी अलाइव था. ब्रेन कभी नहीं रुकता, never stand still, stops, except for one moment when you have to talk about a book that you have not read. Wondering where it's going. Yeah. Yes. That's the name is always going to land. Yeah. Always going to land. So, इसके बारे में भी आप मुझसे सवाल ना कीजिए. अभी तो लॉन्च किए. अभी तो शुरू ही हो गया है. सर, आप अभी तो जो राइटर हैं, अब प्रेजेंट टाइम के जो राइटर हमारे सोसाइटी में आ रहे हैं, वो एक चेंज, अलग ही डायलॉग, क्योंकि आप जब बहुत फर्क, बहुत अच्छे, वो दूसरा रंग था. अभी जो राइटर्स हैं ये लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आई एनवी देम. इनकी मैं फिल्म देखता हूँ, इनके जो काम देखता हूँ, तो मुझे तो हैरत होती है कितना अच्छा काम, इतना अच्छा राइटिंग है, डायलॉग जो है उसमें कोई रेटोरिक नहीं होती है, वो सचमुच के होते हैं, जिंदा डायलॉग होते हैं. और अभी एक पिक्चर आई थी राम प्रसाद की, तेरी, आप ज़रा देखिए कैसे लिखा उन्होंने. या एक पिक्चर थी उड़ान, ऐसी बहुत सारी पिक्चर हैं जो आजकल आ रही हैं, उनके तो डायलॉग कमाल है. कहानी का और गानों का और उनके एंगल से चीजें सामने आ रही हैं.
देखिए कहानी और गानों की अलग अलग कहानियाँ हैं। जहाँ तक कहानी का ताल्लुक है, हाँ बदल रहा है, लेकिन अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ऐसा कुछ नहीं है कि सब बदल गया, अभी भी बहुत लंबा रास्ता है। अभी भी वो अल्टीमेटली वो पेट्रियार्कल है, अल्टीमेटली मेल ओरिएंटेड है, बट इट इज़ चेंजिंग। बट आई नॉट टू हैप्पी विद द काइंड ऑफ स्पीड दिस चेंज हैज। इट शुड बी स्मार्टर, इट शुड बी क्विकर, वो ज़रा कम है। अब वो किस्सा क्या है कि वहाँ जहाँ करोड़ों रुपए इन्वॉल्व हो जाए ना, वहाँ लोग कंजर्वेटिव हो जाते हैं। अगर आर्टिकल में चेंज आ जाएंगे, पोएम में चेंज आ जाएंगे, शॉर्ट स्टोरी में चेंज आ जाएंगे, लेकिन फिल्म में पैसा इतना लगता है कि वहाँ चेंज फूंक फूंक के कदम रखते हैं चेंज करने के लिए, तो इट मे टेक अ लिटिल टाइम, मगर होगा। जहाँ तक गाने की बात है, आई एम अ बिट अनहैप्पी विद द सिचुएशन, और मैं उसमें सॉन्ग राइटर्स को ब्लेम नहीं करता हूँ। जो सॉन्ग राइटर हमारे यंग हैं, ऑल ऑफ देम आर एक्सेप्शनली टैलेंटेड बॉयज और बहुत अच्छे लड़के हैं, लड़कियाँ भी हैं, मगर लड़कियाँ कम, बहुत कम है। और ये एक तुम सिवाय उसके कौशल मुनीर के नाम याद नहीं आएगा तुम। तो वो वजह क्या है कि लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी में श्रिंक कर गई है। वो फिल्में कोई वर्ल्ड में थोड़ी बनती हैं, वो इसी सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ पिछले 25-30 साल 40 साल में लिटरेचर को, लैंग्वेज को, पोइट्री को वो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई हमारे ना स्कूल्स में ना घर में, जो दी जानी चाहिए थी। तो आज का जो एवरेज नौजवान है, उसकी वोकेबलरी, उसकी शब्दावली अपने ग्रैंडफादर से आधी है। तो ये जो शंक लैंग्वेज है, इसी से गाने लिखे जा रहे हैं। पोइट्री का जो कोई जो कल्चर होता है, जब आप पोइट्री पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप कवि सम्मेलनों मुशायरों में जाते हैं, पोइट्री की किताब पढ़ते हैं, तो आपको एक सेंस होता है उसका, वो है नहीं। तो अब चक्कर ये है कि इवन द पीपल हु आर मेकिंग फिल्म टुडे आर फ्रॉम इंग्लिश स्कूल, देयर फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो उनका रिलेशन जो हिंदुस्तानी गीत थे, चाहे वो फिल्म के हों चाहे फोक के हों, उनसे उतना वास्ता नहीं है। तो कहीं वो सब सिमट के शैलेंद्र और साहिल नहीं बनने दे रहा किसी को।